नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। जनपद बागेश्वर के बाद अब पढ़ते हैं जनपद उधम सिंह नगर के बारे में। उधम सिंह नगर जिले का गठन 30 सितंबर 1995 ईस्वी को नैनीताल से अलग करके किया गया। उधम सिंह नगर जिला तीन भागों रुद्रपुर, काशीपुर एवं खटीमा से मिलकर बना है। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया। जनरल डायर को मार्च 1940 में लंदन में उधम सिंह नगर ने गोली मारी थी। उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। 1864-65 ईस्वी में तराई व भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। तराई जिले का गठन 1842 ईस्वी में हुआ। तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में 84 माल या नौलखिया माल कहा जाता था। 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। उधम सिंह नगर जिला राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। यह जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। इस जिले में अधिकतर क्षेत्र तराई में पड़ता है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर व काशीपुर नगर निगम है, जिन्हें 2013 में नगर निगम बनाया गया। द्रोणताल, गिरीताल, खेड़ा झील, हरिपुला जलाशय ये उधम सिंह नगर की प्रसिद्ध झीलें हैं। रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की और वहाँ एक सैन्य शिविर की स्थापना की। यह नगर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। चंद काल में रुद्रपुर को बोक्साड नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बोक्साड के अंतर्गत रुद्रपुर एवं किलपुरी आते हैं। बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थान रुद्रपुर था। चंद व रोहेला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई शिवदत्त जोशी ने की थी। रोहेलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर में बम विस्फोट हुआ था। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर जिले में स्थित है, जो 2002 में बना था। 2021 में रुद्रपुर में प्रवेश का दूसरा एवं कुमाऊं का पहला सैबर थाना खोला गया। प्रदेश का पहला थाना देहरादून में है। बाजपुर नगर धूमा नदी के तट पर स्थित है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की गई। जसपुर का प्राचीन नाम सहजगीर या सहजाफर था। जसोदन नामक व्यक्ति ने इसका नाम जसपुर कर दिया। जसपुर गांव यशोधर जोशी नाम के व्यक्ति ने बसाया था। कीर्ति चंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया। काशीपुर का पुराना नाम गोविषाण है। चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी 1938-40, 1960-61, 1965-66 एवं 1970-71 में गोविषाण टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन किए गए हैं। 1824 ईस्वी में विषभ हीवर ने काशीपुर की यात्रा की थी। उस समय यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। भौगोलिक रूप से काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और ढेला नदी के तट पर बसा है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहा करते थे। 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर नगरपालिका की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल 1819 ईस्वी में काशीपुर में बनाई गई। उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में है। इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन की स्थापना की गई। खोखरे का टीला एवं खुजली देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। उज्जैन का किला उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में कतिवरी एवं चंद्र राजाओं द्वारा निर्मित तीन गढ़ हैं, जो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान कहलाते हैं। संगत उद्योगों हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जाएगी। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना रूथरफोर्ड ने की थी। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर पंतनगर का नाम पड़ा। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। पंतनगर में सिटकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान का विकास किया जा रहा है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम 1972 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय में के प्रथम कुलपति डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ITBT पार्क पंतनगर में स्थित है।
केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पहुंच संस्थान सीमैप पंतनगर में स्थित है। नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में सिखों का पवित्र तीर्थस्थल है। इसका प्राचीन नाम बक्सी था। अटारिया देवी का मंदिर, मोटेश्वर महादेव, भीमा शंकर महादेव, चामुंडा देवी का मंदिर, भारमल बाबा मंदिर, अखल देवी मंदिर, चैती देवी मंदिर आदि उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर है। माँ बाला सुंदरी या चैती देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। बाला सुंदरी को ज्वाला देवी व उज्जैनी देवी के भी कहा जाता है। बाला सुंदरी चंद्रवंश के राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है। इसके परिसर में चैती मेला लगता है। यहाँ बोक्सा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एलडीको सिटकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिटकुल द्वारा किया जा रहा है। सिटकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। राज्य की अधिकांश चीनी मिलें उधम सिंह नगर में स्थित है। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में स्थित है। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेक्षण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है। खटीमा का पुराना नाम मदकपुर है। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानक पत्ता में स्थित है। किच्छा का पुराना नाम दरहू है। संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य की अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में स्थित है। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर के जिले में स्थित है। गोरख नाला गुफा एवं सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में है। अभी हाल ही में किच्छा में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एम्स की सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन की घोषणा की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद चंपावत के बारे में। तब तक के लिए बाय।